सीतापुर की जेल में बंद सपा नेता और रामपुर सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2008 में सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामलों में चल रहे मुकदमों को लेकर मुरादाबाद की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई के बाद सुरक्षा के बीच उन्हें सीतापुर जेल वापस लाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए आजम खान के वकील दिनेश पाठक ने बताया कि तीन अलग अलग मामलों में आजम खान और उनके बेटे की पेशी हुई है। कोर्ट से दो मामलों में 6 अगस्त और एक में 24 अगस्त की तारीख मिली है। कोर्ट में अब्दुल आजम खान साहब दोनों पेश हुए जी, उनको कस्टडी ले ली गई है। दो केसेस में, एक केस था जो पेंडिंग है कि इनको एक्सपेंडर डिक्लेयर किया था, उसके एफआईआर होने के बाद जो है उसमें एक कस्टडी हुई है और ये कस्टडी जो पेंडिंग था उसमें हुआ। आप उनके वकील हैं आजम खान साहब के जी? आप आजम खान साहब के वकील हैं ना? हाँ जी। तो आप कब लाया जाएगा मुरादाबाद? अभी एक 24-8 लगी है, अगली डेट है। हाँ। पहले हम बेल डालेंगे, उसके पहले बेल पड़ेगी। बेल इन्हें सीतापुर से ही लाया गया था। सीतापुर से आप कहाँ गए? अब सीतापुर गए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।